नमस्कार, स्वदेशी उच्चार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं के बारे में। यदि वे काट लें तो उनका तुरंत उपचार क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानते हैं। वैसे आप बिच्छुओं के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि कुछ बिच्छुओं की ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो इंसान को मिनटों में मौत की नींद सुला देती हैं। आइए जानते हैं उन खतरनाक बिच्छुओं के बारे में। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश के दौरान ही बिच्छू प्रजनन करते हैं। बिच्छू एक बार में करीब 100 बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें गर्मी देने और उन्हें बचाने के लिए मादा बिच्छू अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। वैसे यह उन क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन ये जमा देने वाले शीत तथा मरुभूमि की गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारतीय लाल बिच्छू के बारे में। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू माना जाता है। यह देखने में छोटा जरूर लगता है, किंतु इसके काटने से इंसान की जान भी जा सकती है। इसका जहर इतना जहरीला होता है कि इसके काटने के कुछ सेकेंड बाद ही इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इसके जहर की अभी तक कोई काट नहीं बनी है और इसका इंस्टीट्यूट भी दे दिया गया तो सिर्फ 4% इंसान ही बच पाते हैं। दूसरा है डेथ स्टॉकर बिच्छू। इस बिच्छू के नाम से ही पता चलता है कि ये कितना खतरनाक होगा। यह मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है और रात में शिकार के लिए निकलता है। यह छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करता है, किंतु जब इसको अपनी जान का खतरा होता है तो यह अपने जहर से बड़े बड़े जानवरों को भी मिनटों में खत्म कर देता है। तीसरा है ब्राजील के पीले बिच्छू। इस बिच्छू को चलती फिरती मौत कहा जाता है। अगर यह एक बार काट ले तो इंसान के कुछ ही समय में शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और फेफड़ों में सूजन आने लगती है। ब्राजील में इनके काटने से लगभग हर साल 4,000 लोगों की मौत हो जाती है और कहा जाता है अगर इसके काटते ही अगर मरीज को उसका इंस्टीट्यूट दे दिया गया तो जान बचाई जा सकती है, नहीं तो मरीज का बचना संभव नहीं है। चौथा जो प्रकार है वो अरेबियन फैटेल्ड बिच्छू। इसको देखते ही लोगों को पसीना आ जाता है। यह हर समय अपने शिकार के लिए घूमता रहता है। यह रेगिस्तान में पाया जाता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही गुस्सैल प्रकृति के होते हैं और बड़े से बड़े खतरों से भी नहीं डरते हैं। इस बिच्छू के डंग तो खतरनाक होते ही हैं, साथ में इसके पंजे भी बहुत जानलेवा होते हैं। पांचवा जो प्रकार है एरिजोना बार्क बिच्छू। यह बिच्छू अमेरिका के अरिजोना में बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यह बिच्छू लगभग हर साल 500 लोगों को अपना शिकार बनाता है। यह बहुत जहरीला होता है और इसके विष का तोड़ यह बिच्छू खुद होता है। इस बिच्छू द्वारा काटने पर इस बिच्छू से बना इंस्टीट्यूट ही काम करता है। इसके अलावा सभी दवाइयां फेल हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिच्छू के काटने पे सबसे पहले किए जाने वाले उपचारों के बारे में। पहला तो यह है कि बिच्छू जहाँ काटे वहाँ से थोड़ी ऊपर किसी रस्सी द्वारा खूब तेजी से बांध दें और बिच्छू जहाँ काटा है वहाँ का खून निकाल दें। इसके अलावा कुछ घरेलू इलाज भी हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहले सेब। सेब के फायदे तो आप जानते ही हैं, पर यह बिच्छू के काटने में भी फायदेमंद होता है। सेब को पीसकर उस जगह लगाएं जहाँ बिच्छू ने काटा है और पीड़ित को सेब खाने के लिए भी दें। ऐसा करने से बिच्छू का जहर उतरने लगता है। दोस्तों, किसी भी तरह के जहर को खत्म करने के लिए फिटकरी बहुत अच्छा तरीका है। फिटकरी को पीसकर उसका लेप बनाएं और जिस जगह बिच्छू ने काटा है वो जगह लगाएं, जिससे आपको आराम मिलेगा। लहसुन जो मसाले में यूज करते हैं, खाते भी हैं, यह एक अच्छा एंटीबायोटिक है। यह बिच्छू के काटने पर असरदार साबित होता है। बिच्छू के काटने पर लहसुन के 2 चम्मच रस में 2 चम्मच शहद मिलाएं, पीड़ित इंसान को पिलाएं, जिससे जहर नहीं फैलेगा और आपको आराम भी मिलेगा। और इसके अलावा लहसुन की 6 कलियों को पीसकर उसमें नमक मिलाकर प्रभावित जगह पे लगाने से दर्द कम हो जाता है। माचिस की तिल्लियां। अगर आप माचिस की तिल्लियों के ऊपर लगे काले भाग को निकालकर पीसते हैं और उसे हल्के पानी में मिलाकर बिच्छू काटने वाली जगह पर लगाते हैं तो आपको बिच्छू के दर्द और जहर दोनों में आराम मिलेगा। और यह एकदम सच है,
अगर आपको बिच्छू काट दे तो आप यह इलाज कर सकते जिसका फायदा 100% होता है। अगला है पुदीना। पुदीने का इस्तेमाल, यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मार दिया है उस जगह पर पुदीने के पत्तों का पेस्ट बनाकर लगाएं। इसके अलावा पुदीने का रस निकालकर व्यक्ति को पिलाएं, इससे बिच्छू का विष उतर जाता है। मूली खाने के लिए प्रयोग करते हैं, सब्जी में भी प्रयोग करते हैं। इससे पीस कर इसका पेस्ट बना लें और इसमें हल्का सा नमक मिला लें और उस स्थान पर लगाएं जहां पर बिच्छू ने काटा है, और साथ ही रोगी को मूली भी खिलाएं। यह बिच्छू के जहर को कम कर देगा और उसके प्रभाव को खत्म करेगा। इसके अलावा तुलसी, यह एक बहुत ही फायदेमंद है। इसके फायदे तो जग जाहिर हैं। कई सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिच्छू के काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तुलसी के कुछ पत्तों का लेप बनाएं और प्रभावित जगह में लगाएं, जिससे दर्द भी कम होगा और जहर भी नहीं फैलेगा। दोस्तों, यदि इन सबसे काम ना बने तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की महत्वपूर्ण स्वास्थ्यप्रद जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।